Wow, very dangerous. अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नमाज पढ़ ली है और माज भाई और सोनू जा रहे हैं घर को, हम भी चलते हैं घर को। जुम्मा है आज, जुम्मा पढ़ लिया और आज जाना है हमने बड़ी दूर। और ये अरम भाई आ रहे हैं। अरम ये फ्रॉक्स नहीं सही करता, पता नहीं क्या है। अभी चलते हैं घर को, फिर मुलाकात होगी आपकी हमारी। रस्ते आ चुके हैं जुम्मा पढ़ के। मेरा एक सब्सक्राइबर आया, कहता मुझे भी मिलो मुझे भी। ओ माशाल्लाह से एक सब्सक्राइबर और आ चुके हैं। और वो हमदा भाई भी आ। और जनाब घर आ चुका हूँ जुम्मा पढ़ के, और आते ही माशाल्लाह से सबसे पहले तो एसी की ठंडी हवा ले रहा हूँ, और वो भी चल रहा है सोलर के ऊपर। आपको मैं कहता रहता हूँ यार सोलर लगवा लो लगवा लो, यकीन करो अल्लाह की कसम इतना इसका मजा इतना फायदा है ना यार। अब चल रहा है बाहर, गर्मी टका के है, टू ओ क्लाक का टाइम हो चुका है, तो कोई परवाह नहीं है, बिजली के बिल का कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये फ्री चल रहा है, अल्लाह की धूप के ऊपर चल रहा है। आप लोग भी लगवाएं तो। और साथ ही अभी हम खाते हैं, लंच करते हैं, और मजेदार राइस बने हुए हैं, साथ दही पल्ले हैं, मीठे चावल हैं, और ये कोई गोश्त वगैरह है। तो अभी खाना खा के फिर जाना है हमने कहीं पार्क शारक घूमने, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सस्पेंस है, जू जाते हैं, सफारी पारी कहाँ जाते हैं वो अभी हम आपको रास्ते में बताएंगे। अभी मुलाकात करते हैं रास्ते में। खाने लगे हैं, नीचे आया हूँ तो, और मेरे मामू जी आए हुए हैं। मामू जी क्या हाल है, ठीक है? और सेहत सुनाएं कैसी है? आंखें सही हुई कि नजर ठीक हुई है? नजर ठीक है, माशाल्लाह बहुत। चलो, और बकर भाई आपका क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। चलो, बच्चों को लेके सैर करवाने। सहरा वेरी हैप्पी। सहरा कहाँ जा रही हो? हाँ जी, पहले प्लान था हमारा जू वगैरह जाने का। एक तो जू का भी कंफर्म नहीं है, वो ओपन हुआ कि नहीं हुआ, बन रहा था, डेवलप हो रहा था। तो दूसरा ये है कि उधर रश होगा, ईद के दिन है ना, शोर शराबा ज्यादा आता है। तो ये देखें, ये हम गुजर रहे हैं एयरफोर्स के जो नमाइश वगैरह लगी है ना उसके पास से, तो ये पुराना एयरपोर्ट वगैरह आ गया है। कुछ बच्चों के झूले इधर भी लगे होते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। और जनाब अभी मेरा ख्याल है 4 o'clock हुआ है, 4 बजे हैं, तो माशाल्लाह फोर्ट्रेस में इतना रश। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, जॉयलैंड जाते हैं, देखते हैं झूलों पे जगह मिलती है बच्चों को नहीं मिलती, क्या बनता है। तो अभी पहले गाड़ी कहीं पार्क करते हैं। अब अगर फोर्ट्रेस आए हैं, बहुत रश है दोपहर, गर्मी खैर नहीं है, मौसम ठीक है, अभी का टाइम इतना रश है इतना। तो अभी हम देखते हैं हमें झूलों में जगह मिलती है कि नहीं मिलती। तो अभी हम फोर्ट्रेस चलते हैं जॉयलैंड, वहाँ से टिकटें वगैरह देते हैं, बच्चों को झूलों भी दिलाए। फिर से वीडियो नहीं सही बने। चल आ जाओ, बहुत ज्यादा है यार, और वो ट्रेन जा रही है। आराम से बैठे रहने हैं, नहीं उड़नी पानी में मारना, ठीक है भाई का गुड्डू। इधर मोबाइल की तरफ देखो, हैंडल आओ, गाइस को बताओ किधर आए हो, मजा आ रहा है? रश बहुत ज्यादा है, की आज हमने बेवकूफ की है वैसे, है ना? हमारा तो घर पास ही है, बाद में आना चाहिए था। कोई बात नहीं, एंजॉय करो, मजा लो। क्या देख रही है? देखो देखो, सहरा फाइका ड्यू ड्यू ड्यू। और बच्चा Oh
गया झूला। आजा आजा इधर से उठा लेता तुझको। और जनाब वो लिफ्ट ट्रैक के ऊपर जा रही है नॉन स्टॉप, वो फोटो स्टेडियम, वो सामने वाली जो जगह है ना, इधर 98 में मैं आया था, वो हॉर्स एंड कैटल शो था, तो इधर एक पिक्चर वगैरह बनती थी। तो चलो आप अंदर ड्राइव होने लगी है। एक करंट का पता है टक्करे मारी जा रही है। हम आपको टक्कर नहीं मारेंगे। वो चीले फोटोस में आए हुए हैं जनाब, और ये एक नया माल बनाया इन्होंने ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है इन्होंने नया ट्रैक बनाया है हॉर्स एंड कैटल शो में ना, घोड़ों को दौड़ लगाने के लिए। तो अभी देखते हैं कैसा है ये नीचे जाने के लिए। ऊपर आ गया, 500 रुपये देना पड़ेगा ऊपर। ऐसे ही करते हैं पाकिस्तानी है ना, कभी कुछ सही नहीं बताते। लिटल लिटल हॉर्स बेबी, क्या हुआ तू? अरे पकड़ ले। जनाब जॉयलैंड से बाहर आ चुके हैं, बहुत रश था, बहुत रश था, और रश पड़ता ही जा रहा था, तो बाहर आ गए हैं, बाहर थोड़ा सा घूमे फिरे हैं। अब हम जनाब जा रहे हैं बाहर खाना खाएंगे, इधर से नहीं खाएंगे, इधर कॉस्टली भी है और वो रश बहुत ज़्यादा है, चीज़ें भी अच्छी मज़े की नहीं है। तो हमें बाहर से जो आइडिया है कौन कौन सी जगह से अच्छा खाना होता है वहाँ से खा लेंगे, या ऑर्डर करके कर देंगे, वो घर ले आएगा, घर से खा लेंगे। तो अभी चलते हैं। हाँ जी, रनिंग का मज़ा आ रहा है, बहुत रश था यार, ये रास्ते में रुक के बैठ गया हूँ, इधर जरा सुकून है। मैंने बच्चों का आप रनिंग शनिंग कर लो, भागो ना आगे। वो देख आपकी कहाँ चली गई है अभी। इधर फ्रंट पे रहना। क्या मिलके उधर बैठ के दोनों पीएफ म्यूजियम के पास आए हुए हैं, पर अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसकी एक दिन पहले टिकट लेनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे, कल दो चार दिन पहले, एक दिन पहले इसकी टिकट लेनी बाय करनी पड़ती है। तो आज तो खैर बहुत थक गए हैं, ईद के दिन आगे गुजरेंगे ना, फिर इंशाल्लाह से इनकी टिकटें वगैरह लेंगे और फिर इधर आएंगे। बाकी भाई वगैरह सारे आए, उन्होंने विज़िट किया हुआ है, हमने नहीं किया और आपने नहीं किया, आपको भी दिखाएँगे। ये देखे सारा और फाइका फुल मस्तियां करती हुई, जो बन में आए हाय फुल एंजॉय हो रहा है, और वो लगता है थक गई। अब मेरे साथ रनिंग करो, मेरे साथ रनिंग करो, देखते हैं कौन जीतता है।
इधर आओ 1 2 3 सारा इधर शहरा जीत गई भाई कहा जा रहा जा भाई का इतनी दूर से भागती जा रही है और रास्ते से वापस टर्न ले गई है आया देख वापिस आओ दोनों इकट्ठे आओ 1 2 3 1 2 3 शहरा छोड़ दे उसका एंड यस दोनों जीत गए तो अब घर आ चुके हैं बहुत थक गए हैं सारा बेटा पानी पिलाओ मुझको हाय टांगे दर्द करना शुरू हो गई हैं अभी रेस्ट करते हैं फिर आपसे और जनाब कैसा लगा हमारा व्लॉग आपका आपको आप लोगों के लिए यार मेहनत कर रहे हैं जाते हैं आते हैं इधर उधर हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब किया करो कमेंट्स में बताया करो क्या अच्छा क्या बुरा जहां हमारी कमजोरियां नजर आए वो भी आप हमें गाइड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वॉच करो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह हाफिज़ अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में वो इससे भी अच्छा होगा।